तेग बहादुर सिमरिए। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जी हाँ, हम जा रहे हैं चमकौर सा। हमारी इस ट्रैवल सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड है और इस रास्ते से लेफ्ट टर्न करते ही हम चल पड़ते हैं चमकौर साहब की तरफ। तो मैंने सोचा कि चमकौर साहब तो पहुंचेंगे और साहबजादाओं की शहादत की निशानियां वहां पे देखेंगे, तो क्यों ना पहले हम उनके दादा दादी के बारे में भी जान लें। दादी पोते का प्यार तो हमने सुना ही है, माता गुजरी और उनके पोतों का प्यार, पर ये दादाजी एक ऐसे दादाजी थे जिन्होंने अपने पोतों का प्यार नहीं देख पाए और उससे पहले ही बलिदान दे दिए। तो आइए, इस सीरीज में हम सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की पूरी जानकारी लेते हैं। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1621 अप्रैल मंथ में अमृतसर में हुआ और उनका बचपन का नाम त्यागमल था और उनके पिता मीरी पीरी के मालिक 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। उनकी माता का नाम माता नानकी था और वो अपने माता पिता के 5वीं संतान थे। 14 साल की उम्र में ही मुगलों के खिलाफ हमले में अपने पिताजी के साथ लड़ते हुए युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के बाद उनके पिताजी ने उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया, जिसका मतलब था कि वो तलवार के धनी हैं। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गायले, छाड़ सगल जंजाल। युद्ध स्थल में खून से लथपथ भूमि ने उनके विरागी मन को हिलाकर रखा और उनका मन स्पिरिचुअल चिंतन की तरफ हुआ और उन्होंने अपने अंदर धैर्य, वैराग्य और त्याग जैसे गुणों को धारण करने के लिए बाबा बकाला चले गए और यहाँ पे उन्होंने 20 वर्ष तक पोरा साहब में साधना की। उसके बाद धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने पूरा देश भ्रमण किया। ।1666 में पटना साहब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म माता गुजरी जी की कोख से हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना शहर आनंदपुर साहब खुद बसाया। आनंदपुर शहर गुरु तेग बहादुर जी द्वारा ही बसाया गया। औरंगजेब के दरबार में एक पंडित गीता के श्लोक सुनाता था और उनके अर्थ भी बताता था और वो जानबूझ के कुछ श्लोक छोड़ देता था ताकि औरंगजेब को बुरा ना लगे, क्योंकि वो किसी और धर्म की प्रशंसा नहीं सुन सकता था। तो एक दिन वो बीमार हो गया तो उसने अपने जगह अपने बेटे को श्लोक सुनाने के लिए भेजा और उसके बेटे ने उसको सारे श्लोक सुना दिए। इस पर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो किसी और धर्म की प्रशंसा नहीं सुन सकते थे। औरंगजेब के सलाहकारों ने उनको सलाह दी कि इन पंडितों को इस्लाम कबूल करवा लिया जाए। औरंगजेब ने ऐसा ही किया, उन्होंने जबरदस्ती पंडितों को इस्लाम कबूल करने के लिए उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। इस जुल्म के शिकार हुए कश्मीरी पंडित गुरुजी के पास आए और उन्होंने अपने धर्म को खतरे में होने की बात बताई। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 13 या 14 साल के थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी से पूछा कि अब इस परेशानी को हल करने का क्या तरीका है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि अब किसी को बलिदान देना होगा। तो
तो गुरु गोविंद सिंह जी आता था, उन्होंने कहा तो आपसे महान महापुरुष और कौन होगा। गुरु जी ने कश्मीरी पंडितों को आश्वासन दिया कि वो उनकी मदद करेंगे और उन्होंने कहा कि जाओ औरंगजेब को जाके कह दो कि पहले गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम कबूल करवाएं तो सारे कश्मीरी पंडित अपने आप ही इस्लाम कबूल कर लेंगे। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों की ये शर्त मान ली और गुरु जी खुद औरंगजेब के दिल्ली दरबार में गए। गुरुजी ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो गुरुजी को कई तरह के लालच दिए गए, उन पे बहुत सारे जुल्म किए गए और उनके साथ साथ उनके शिष्यों को भी मार दिया। पर गुरुजी टस से मस नहीं। गुरुजी ने औरंगजेब को समझाने की कोशिश की कि एक सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। औरंगजेब को इस बात पर गुस्सा आया और उन्होंने गुरुजी का चांदनी चौक पर शीश काटने का हुक्म दे दिया और नवंबर 1675 में शीशगंज नामक स्थान पर उनका शीश काट दिया गया, जहां पे अभी गुरुद्वारा शहीदी स्थल गुरुद्वारा शीशगंज सिचुएटेड है। और उसके बाद उनका शीश और बॉडी जो अलग अलग हो गए थे उनको पाई लखीदास जी उनकी बॉडी को उठाकर लाए और अपने घर में रख के अपने घर को जला दिया और उनका सिर जो था वो पाई जैता जी उठाकर अपनी आगोश में छुपाकर आनंदपुर साहिब लेके आ गए और गुरु गोविंद सिंह जी जिस जगह पे दिल्ली में गुरु साहब जी की बॉडी का क्रीमेशन हुआ था वहां पे अब गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। तिलक जंजू राखा प्रभता का कीनो बड़ो कलु महसाखा साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सीना उचरी धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर न दिया नाटक चेतक किए कुकाजा प्रभ लोगन के आवत लाजा। इसका मतलब तो ये है कि शहादत तो साहिबजादाओं के खून में लिखी हुई थी, उनके दादाजी ने किसी दूसरे का धर्म बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया तो ये तो उनके अपने धर्म की बात थी। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह बड़े साहिबजादा जी की चमकौर की गड़ी में शहादत हुई। थैंक यू।